चैप्टर 9 हिस्ट्री हेरिटेज मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली ट्रेन्ड पर्सन्स हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन का ये मतलब है, खाली जो ट्रेन्ड पर्सन है, जिनको पूरी ट्रेनिंग मिली है, सिर्फ वही जो भी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, मतलब जो भी सामान मिले हैं, उसको वो कंजर्व और प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हिस्टोरिकली कोई चीज़ मिली है, फॉर एग्जांपल कोई वेपन मिला है, तो उस वेपन को संभालने के लिए कोई एक ट्रेंड इंसान ही उसे संभाल सकता है, ठीक है, कोई भी उसको संभाल नहीं सकता। ऐसा क्यों है देखते हैं। व्हाइल कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च वन हैज़ टू डू डिफरेंट टास्क केयरफुली लाइक कलेक्टिंग सोर्स प्रिजर्विंग एग्जिबिटिंग एक्सेट्रा। तो जब कभी हिस्टोरिकल रिसर्च किया जाता है तो एक इंसान को अलग अलग काम करना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले सारे सोर्सेस को कलेक्ट करना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सबसे पहले कलेक्ट करना, जो भी चीज़ मिल रही है सबसे पहले कलेक्ट करना। उसको कलेक्ट कैसे करना है उसका भी एक तरीका है। ऐसा नहीं होता कि तुमने रैंडमली कुछ जाके उठा लिया तो जो उसकी रियलिटी है वो चेंज हो सकती है। फिर उसको प्रिजर्व करना, प्रिजर्व करना मतलब उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसको बचा के रखना, उसके लिए भी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। और साथ में एग्जीबिटिंग, एग्जीबिटिंग मतलब जब तुम उसे म्यूजियम में या कहीं पे लाके रख रहे हो तो उसे किस टेम्परेचर पे रखना है, कैसे रखना है, कितना रूम में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वो सब चीज़ का भी ध्यान देना है ताकि वो चीज़ अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे। और ये सब हर इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए कौन कर सकता है काम, जो एक ट्रेंड पर्सन हो, ठीक है। तो जब कभी हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, वाइल कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च वन हैज़ टू डू डिफरेंट टास्क, तो एक इंसान को अलग अलग काम करना पड़ता है ध्यान से, जैसे कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, सोर्स को कलेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है, एग्जीबिट करना है। द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एवरी टास्क इज डिफरेंट। अब हर काम के लिए जो स्किल जो चाहिए स्किल, वो हर काम के लिए अलग अलग है। जैसे कि सोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए अलग स्किल चाहिए, उसको प्रिजर्व बचा के रखने के लिए अलग स्किल चाहिए, उसको एग्जीबिशन में दिखा लोगों को दिखाने के लिए अलग स्किल चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। द प्रोसीजर फॉलोड फॉर द ईच टास्क इज़ डिफरेंट एज वेल एज द प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। तो जो प्रोसीजर फॉलो होता है इन सबको बचा के रखने के लिए, है ना, अलग अलग स्टेप पे जो प्रोसीजर है वो भी क्या होते हैं, अलग अलग। तो उसमें ट्रेनिंग भी क्या चाहिए होगी, अलग अलग ट्रेनिंग चाहिए। साथ साथ में प्रिलिमिनरी प्रिकॉशंस की क्या प्रिपरेशन, मतलब कोई भी काम करने के पहले तुम्हें क्या क्या प्रिपरेशन करके वहाँ पे जाना है, वो भी चीज़ हर स्टेप में अलग अलग होती है। इट इज़ एसेंशियल टू नो अबाउट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन। बहुत ज़रूरी कि क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या काम नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है वहाँ पे जाके। ये सब कौन ध्यान दे पाएगा जिसको ट्रेनिंग मिली हुई है, ठीक है, क्या प्रिकॉशन देना है वो भी बहुत ज़रूरी है। हैंस ओनली ट्रेंड पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। इसीलिए सिर्फ जो ट्रेंड पर्सन है वही लोग ये काम कर सकते हैं। कोई वेपन मिल गया, कोई ब्रिक्स मिल गया, कोई पॉट मिल गया, कोई ओल्ड किताब मिल गई, अब उस किताब को कैसे ओरिजिनल फॉर्म में रखना है, कैसे उसका सही इस्तेमाल करना है ताकि वो ख़राब ना हो, है ना। कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का डिफरेंस अभी पिछले वीडियो में बात की थी। प्रिजर्वेशन मतलब कोई भी चीज़ को उसके ओरिजिनल फॉर्म में रखना, और कंजर्वेशन मतलब उसका सही से इस्तेमाल करना, ऐसा इस्तेमाल करना कि वो आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर पाए। ये जो हिस्टोरिकल चीज़ों का काम है ना, सिर्फ एक ट्रेंड पर्सन कर सकता है उसको सही से बचाने का काम, हर कोई उसे कर सकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीज़ है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फिर उसको प्रिजर्व करना है, उसकी एग्जीबिशन करनी है, हर काम में अलग अलग स्किल चाहिए, और इसे खाली कौन कर सकता है, कोई एक ट्रेंड पर्सन, ठीक है। क्या प्रिकॉशन लेना है, ठीक है, कैसे उसको बचा के रखना है, ये सब खाली कौन कर सकता है, ट्रेंड पर्सन। इसीलिए एक ट्रेंड पर्सन जिसकी जो क्वालिफाइड हो वही कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन कर सकता है। तो एक बार अच्छा टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, वहाँ से एक बार देख लेना कि रिटन सोर्स, फिर होगा ओरल सोर्स और होगा मटेरियल सोर्स। इन तीनों को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग तरीका है, अलग अलग चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर रिटर्न सोर्स है तो तुम्हें अलग अलग स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए, जैसे कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है, अलग अलग पर्शियन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये अलग अलग स्क्रिप्ट तुम्हें पता होना चाहिए रिटर्न सोर्स के लिए। ओरल सोर्स के लिए लिखा होगा कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए, सोशियोलॉजी मतलब समाज के बारे में और एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर
फिर मटेरियल सोर्स में कौन से केमिकल और कौन से मैकेनिकल तरीके लगाने ताकि तुम सोर्स को बचा के रखो। तो ये सब नॉलेज की क्या तरीका लगाना है ये सिर्फ किसको पता होता है, जो ट्रेंड पर्सन है, जो क्वालिफाइड पर्सन है। ठीक है, तो ये भी एक बार टेक्स्ट बुक में रीड करना, चैप्टर नंबर 9 के स्टार्ट में ये है। ठीक है, और एक बार आंसर को रीड कर लो, इजी सा ही आंसर है ये।